जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर टॉफी वगैरह भैया दे रहे हैं फ्री में, रास्ते के लिए गए कि तकलीफ ना हो, कुछ आराम से खाते पीते मस्त जाओ। देख सकते हो ये मसाज, अभी हम मसाज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सब मसाज कराने, यहाँ पर सब फ्री सेवा है दोस्तों। देख सकते हो भंडारे के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अच्छा, और देखिए नारियल की खीर है, सैंडविच वाइज कितने सारे आइटम है यहाँ पर, यहाँ पे पेटीज वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिठाई तरह तरह की मिठाइयाँ भी हैं जो आपने कभी खाई भी नहीं होगी, यही से डोनट्स बोलते हैं, ये डोनट्स हैं। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट थर्ड। एंड गाइज, हम रात में यहाँ पर शेषनाग में रुके थे, स्टे किया रात में, और टेंट 500 रुपये पर पर्सन मिला था। एंड गाइज, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखिए कितना मस्त व्यू है गाइज। और यहाँ से लगभग 20 से 24 किलोमीटर अभी और चलना है हम सब को। देखिए कितना मस्त व्यू है यहाँ का, और इस पूरे चारों तरफ पहाड़ के बीच में यहाँ पर हमारे हम सब को टेंट है, देखिए क्या मस्त लग रहा है। हर महादेव दोस्तों, हम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। एंड गाइस, अभी यहाँ का व्यू दिखाते हैं सुबह का टाइम का। ये देखिए भीड़ यहाँ पर कितनी है, बहुत सारे श्रद्धालु है। अभी यहाँ से 20 से 24 किलोमीटर जाना है। देखिए कितना मस्त सीन है, क्या मस्त सीन है। हर हर महादेव दोस्तों, बस अब गणेश स्टॉप पहुँचने वाले हैं और अभी बहुत दूर जाना है बाबा के दर्शन के लिए। एंड गाइस, इससे पहले मैं यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखो क्या मस्त ऑसम व्यू है। अभी देखिए यात्री सब आ रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हम गणेश स्टॉप के पास में हैं। एंड गाइस, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग दूरी है। एंड गाइस, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ से फिर एक और टॉप है, वहाँ से फिर ढलान वाला रास्ता आएगा ठीक ठाक। एंड गाइस, उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, देखिए गाइस। कहाँ पर है वो, आपको नीले कलर में टेंट दिखाई दे रहा है, हरे से ऊपर वाले में, वहाँ हमें जाना है अभी। एंड गाइस, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, और ये यात्रा अच्छे से सफल हो हमारी और अच्छा खासा हम घर पहुँच जाए। बस दोस्तों, यही चाहते हैं भोलेनाथ के दर्शन हम भी करें और आपको भी कराएं। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपको पूरे अमरनाथ का सबसे बड़ा लंगर दिखाने वाला हूँ। और चलो ये देखिए, ये तो इसका द्वार है, गेट सामने जो है, देख सकते हैं कितने सारे टेंट है। सबसे बड़े लंगर होता है पोषपत्री में, जो कि अमरनाथ का सबसे बड़ा। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ है लंगर में, और सारे डिशेज मैं आपको दिखा दूंगा। सुनने में आया है कि बहुत बड़ा लंगर लगता है पूरे अमरनाथ का, तो वैसे दिखाना तो पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। देख सकते हो यहाँ पर मसाज काउंटर है, यहाँ पर मालिश वगैरह, मसाज वगैरह सब होता है। और ये लंगर का, तो अभी चलेंगे लंगर में, पहले मसाज का देखते हैं। देख सकते हो ये मसाज, अभी हम मसाज कराएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सब मसाज कराने हैं, यहाँ पर सब फ्री सेवा है। सारी फ्री सेवा है, और देखिए अभी मशीन चालू होगी। ओ भाई क्या मजा आ रहा है गाइस, बेटर फील हो रहा है इसे करवाने के बाद। पूरे आपके घुटने से आपके काफ तक, आपके काफ तक गाइस, बहुत रिलैक्स फील होगा।
अगर आप यहाँ आते हो ऊपर से चढ़ाई करके आ रहे हो पैर में दर्द होता है तो आप यहाँ आके मसाज करवा सकते हो, फ्री में मसाज है, कोई मनी चार्ज वगैरह नहीं है, बहुत अच्छे से मसाज करवाइए और आनंद से और जाइए बाबा बर्फानी के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ, हर महादेव। गाइस देख सकते हैं शिवैया, देखिए ये भी एक घिया की बर्फी है ना, गैस घिया की। यहाँ देख सकते हो तिल के लड्डू और ढोकला के ले रहे हैं, ये डोसा चीला जो भी बोलते हैं, इडली सांभर, यहाँ डोसा बन रहा है। गैस यहाँ देख सकते हो पनीर मलाई मलाई पनीर और यहाँ मोमोज वगैरह आम है सैंडविच गैस और बहुत सारे डिशेज हैं। ये पास्ता ये भी बन रही है, ये क्या है भैया? वेज रोल की ग्रेवी बन रही है। अच्छा वेज रोल है। देखिए कितने सारे आइटम हैं यहाँ पर, यहाँ पे पेटीज वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मिठाई, तरह तरह की मिठाइयाँ भी हैं जो आपने कभी खाई भी नहीं होगी, यही से डोनट्स बोलते हैं, ये डोनट्स हैं। और यहाँ पर पाइनएप्पल शेक है, मैंगो शेक है, बादाम शेक है। गाइस बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी। और यहाँ पर आते हैं मस्त आराम से खाइए पिए और आराम करिए, फिर अपनी यात्रा चालू करिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तैयारी लिए। गाइस हो सके तो कल बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएंगे। और हर हर महादेव। गाइस अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर टॉफ़ी वगैरह भैया दे रहे हैं फ्री में, रास्ते के लिए गए कि तकलीफ ना हो, कुछ आराम से खाते पीते मस्त जाओ। तो ये देखिए सब बहुत वैरायटी की है। हर हर महादेव। दोस्तों हम बस पहुँचने वाले हैं पंचतरणी। गाइस ये देखिए सरदार लोग कैसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है, पूरा खुला ग्राउंड है। हर हर महादेव। दोस्तों हम रात में ही पहुँच चुके थे पंचतरणी, पंचतरणी रात में पहुंच चुके थे। गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, इस वजह से रात में मैं वीडियो बना नहीं पाया। गाइस अब हर हर महादेव। दोस्तों गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज हम जाने वाले हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। इनके ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 9 किलोमीटर दूरी है और देखते कोशिश करते जल्दी से जल्दी कवर हो, क्योंकि फिर वहाँ से जल्दी उतरना है, फिर अपन लोग को घर भी जाना है। तो दोस्तों हर हर महादेव, मिलते हैं फिर रास्ते रास्ते में, हर जगह आपको दिखाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। गाइस महादेव के भी दर्शन आपको करवाने हैं तो जल्द से जल्द चलना ही पड़ेगा। हर हर महादेव। दोस्तों और अभी हम धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। गाइस देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और फिलहाल में अभी बहुत ऊपर जाना है, देख सकते हो वहाँ पर है, उससे आगे फिर आई थिंक रास्ता ठीक है, इतनी ऊंचाई नहीं होगी। तो हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कैसा लगा ये भी। हर हर महादेव। दोस्तों और अभी यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर भगवान के दर्शन के लिए रह रहे हैं, बाकी देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी सारी है। गाइस यहाँ देखिए बहुत भीड़ है और रास्ता बहुत छोटा है, इसी पे खच्चर, इसी पे आदमी सब यहीं पर, पालकी वालकी सब यहीं पर है, इसी रास्ते से जाएंगे तो दिक्कत ज़्यादा है इसमें। और हर हर महादेव बोलते हुए अपने यात्रा सफल करेंगे। एंड गाइस कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। दोस्तों हम बस पहुंचने वाले हैं बाबा के दर्शन के लिए। एंड गाइस तैयार रहिए बाबा के दर्शन के लिए। और सुनने में आ रहा है कि अंदर में मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, वीडियो फोटोज वगैरह अलाउ नहीं है, कोशिश करूँगा अगर दूर से हो जाए तो देख सकते हो। हर हर महादेव। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार। एंड गाइस बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बट आई थिंक ऊपर ना मोबाइल अलाउ नहीं है तो शायद ना भी दिखा पाऊँ, कोशिश जरूर करूँगा कि हो जाए जैसे तैसे।
फिलहाल मैं अभी बाहर से देख लीजिए, ये देखिए बाबा के दर्शन अगर यहाँ से कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि वही गुफा है सामने, गुफा ही है, पवित्र गुफा। तो दोस्तों ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे और आराम से फिर नीचे आएंगे। तो अगर अच्छा लगे व्लॉग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये है क्लॉक रूम, यहाँ पर आके आप सामान रख सकते हैं और फिर यहाँ से दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं भगवान के दरबार में, और वहाँ जाके दर्शन करिए। पिछले बार जो आपदा आई थी ना पिछले साल, वो ये जो गुफा, ये जो है पहाड़ यहाँ से जो आ रहा है यहाँ से आई थी, और बहुत ज़्यादा ही पानी आया था यहाँ से पीछे, आई थिंक झील है कोई, बादल वादल नहीं फटा था, बादल अगर फटता तो दिखता ही नहीं यार, बादल कैसे फटता मुझे पता भी नहीं, आई थिंक झील भरा हुआ, क्योंकि देखो पीछे से पानी अभी भी आ रहा है। तो यही है कि शायद आई थिंक झील भर गया था तो उस वजह से पूरी बाढ़ आ गई थी, और यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे थे पिछले बार, इस बार हटा दिया इसी चीज़ को देखकर कि इस बार कुछ गलत ना हो किसी के साथ। बाकी देख सकते हो यहाँ का व्यू, हर महादेव दोस्तों सुन देख लो, दर्शन हो चुके हैं, और ऊपर मोबाइल लेना ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए नहीं लेके गया। एंड गाइस मैं आपको शेषनाग पर्वत और गणेश पर्वत में दिखाने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पर ना दो कबूतर हैं जो कि अमरनाथ जी माने बर्फानी बाबा बर्फानी के वहाँ पर शिवलिंग के आगे बैठते हैं, जो कि अमर हैं। सुनने में आता है कि उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की जो बात हो रही थी वो सुनी थी, अब कह नहीं सकता मैं कि कन्फर्म यही है कि नहीं है, और फिर भी बता लिया। और पर्वत दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो है ये आपका शेषनाग पर्वत है, और इधर है, इधर है गणेश पर्वत। हाँ सामने जो ये है सात सात बना हुआ पर्वत का, तो ये है गणेश जी का। हर महादेव दोस्तों ये वीडियो और पार्ट यहीं पर खत्म होता है। एंड गाइस दिस इज अनफॉर्गेटेबल साइनिंग ऑफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन बी सेफ, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हर महादेव।